साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एक बोलस के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है फील्ड कंडीशन में और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी होता है फील्ड में। आज का ये टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना बोलस पापाडीन पर। पापाडीन एक ऐसा बोलस है दोस्तों जो बहुत सारी बीमारियों में उपयोग में लिया जाता है। जनरली लोग जानते हैं कि पापाडीन का उपयोग केवल डायरिया की कंडीशन में किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। पापाडीन के अंदर जो साल्ट होता है दोस्तों सल्फाडीमिडीन, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, इसका उपयोग बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज में अपन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा रहेगा अपना पापाडीन के लिए। पापाडीन से संबंधित जो भी जानकारी है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों पापाडीन की। तो पापाडीन एक इंटास कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसके अंदर होता है दोस्तों सल्फाडीमिडीन। सल्फाडीमिडीन 5 ग्राम का ये बोलस आता है जो कि बहुत सारी बीमारियों में उपयोगी होता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी बीमारियों में इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों बैक्टीरियल जो डायरिया होता है, यानी डायरिया के केसेज में तो ये रामबाण होता है। दस्त का अगर केस है, बहुत पतला गोबर जानवर कर रहा है, बहुत लंबे समय से भी कर रहा है, तो भी इसका एक बोलस देते ही जानवर को राहत मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो न्यूमोनिया के केस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आंतों से संबंधित किसी भी प्रकार के संक्रमण में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। उसके अलावा दोस्तों ये कोक्सीडियोसिस के केस में भी उपयोगी होता है, जहाँ पर जानवर के गोबर के साथ खून भी देखने को मिलता है, या अपन उसको बोल सकते हैं डिसेंट्री देखने को मिलती है। डायरिया और डिसेंट्री दोनों में क्या फ़र्क होता है? डायरिया में जानवर करता है पतला गोबर, जबकि डिसेंट्री में पतले गोबर में खून भी अपने को देखने को मिलता है। तो डायरिया और डिसेंट्री दोनों प्रकार के केसेज में उपयोग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके अलावा दोस्तों फुट रोट के केसेज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। उसके अलावा दोस्तों सेप्टिसीमिया की कोई सी भी कंडीशन हो, इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित इन्फ्लामेशंस है जिसमें जानवर को बार बार कफिंग होती है, वहाँ भी इसका उपयोग बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। उसके अलावा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस में भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है और जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फेक्शन हो गया है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको रोकने का ये काम करता है। उसके अलावा मेट्राइटिस के केसेज में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। तो दोस्तों जो पापाडीन बोलस है उसका उपयोग बहुत सारी कंडीशंस में अपन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी डोज की, तो डोज देखिए 5 ग्राम का एक बोलस आता है, तो एक बोलस बड़े जानवर के लिए पर्याप्त होता है, जिसको अपन BID यानी एक बोलस सुबह एक बोलस शाम के हिसाब से दे सकते हैं। और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अपन इसको ड्यूरेशन फिक्स करनी होती है कि 1 दिन देना है या 2 दिन देना है, ज़्यादा लंबे समय तक इसका उपयोग अपने को नहीं करना होता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी गलघोंटू जो रोग होता है उसमें सल्फाडीमिडीन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू के केस में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो दवा होती है वो सल्फाडीमिडीन होती है। तो गलघोंटू की स्थिति में भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें इसकी डोज रेट अपन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। अगर बॉडी वेट उसका कम है तो अपन 1/3 हिस्सा इस बोलस का दे सकते हैं या 1/4 हिस्सा इस बोलस का दे सकते हैं, वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में सल्फाडीमिडीन का उपयोग सेफ होता है, किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने को अपने को नहीं मिलता है। उसके अलावा दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ज़्यादा उपयोग इसका अपने को नहीं करना चाहिए, लंबे समय तक अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो ये लीवर को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा एनिमल है वो सेंसिटिव है सल्फाडीमिडीन के लिए, तो वहाँ पे इसका उपयोग अपने को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे अपने को एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने सल्फाडीमिडीन यानी बोलस पापाडीन से संबंधित सारी जानकारी डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटता है, कोई डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डाले हैं, उन प्लेलिस्ट में बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक वीडियोज हैं, आप उन सभी वीडियोज को देखिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा उसका मिल सके। धन्यवाद।